वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। क्या हो गया? पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, मुझे हंसी आ जाती है। तो वीडियो का टाइटल क्या है? नहीं, मेरी बड़ी वीडियो का टाइटल है टाटा रॉक पाकिस्तानी शॉक्ड। टाटा रॉक पाकिस्तानी शॉक तो हमेशा ही रहते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया, स्टार्ट करते हैं वड्डी को। एक तरफ एक कंपनी और दूसरी जाने पूरा पाकिस्तान, लेकिन हम उन्हें बीट नहीं कर पा रहे। एक अकेला टाटा पूरे पाकिस्तान पर भारी है। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, टाटा का, सिर्फ टाटा का इन्वेस्टमेंट ब्रिटेन में कितने बिलियन डॉलर है? पूरा जैगवा और फैक्ट्रीज और ये वो, इट दे बिलोंग टू टाटा। आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप के कैपिटलाइजेशन पे। 365 बिलियन डॉलर तक जी उनकी कैपिटलाइजेशन पहुंच चुकी है। और अगर IMF की रिपोर्ट की बात करें तो पूरे पाकिस्तान की इस वक्त जो GDP है 341 बिलियन डॉलर की है। तो फिर भी हमें समझ नहीं आती, कोई पिक्चर क्लियर नहीं होती कि ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा, जो कि बैठता दिखाई नहीं दे रहा। यार अभी देखो, आपने सिर्फ टाटा की बात की, रिलायंस की नहीं बात की, अंबानी की बात नहीं की, ठीक है? ये इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। क्या वजूहत है, क्या सरकमस्टांसिस है कि 77 साल हो गए हैं मुल्क पाकिस्तान को बने, लेकिन ना सियासी स्टेबिलिटी आ रही है और ना ही मुल्क की GDP कोई हैंडसम है। के माबेन जो हालात हैं वो भी कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। भारत की सिर्फ एक टाटा कंपनी पूरे पाकिस्तान को खरीद सकती है, फिर भी ये जाहिल पाकिस्तानी आवाम कहती है। हम भारत को कैसे काउंटर करें? भारत कौन है? बात कर रही है, इतना असलहा, इतनी हथियार, क्या है, क्या है? भारत कौन है? तेरा बाप है बे। हमारे साथ ही आजाद हुआ था ना, कौन है? हम तो उसको कुछ नहीं कंसीडर करते, हमारा पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान को मानते हैं। कंसीडर नहीं करते, वो पांचवे नंबर पे पहुंच गए। पहुंच जाए, वो पहले नंबर पे पहुंच जाए, लेकिन जो जो हम है ना, वो हम है। हम लोग एक मुसलमान कौम है, हमारा एक पाकिस्तान है, और हमारा ये ईमान है कि हमारा पाकिस्तान इस बेस पे बना था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। वहाँ पर भी है, वहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा अल्लाह पाक की रहमत है, अल्लाह पाक की खास करम नवाजी है। हम इतना अनसिक्योर हो के भी सिक्योर है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो लगता है ये लड़की आधी पागल है। अरे आधी नहीं, पूरी पागल है। दोस्तों, साल 1868 में जमशेदजी टाटा ने सिर्फ 21,000 रुपए इन्वेस्ट करके एक कंपनी की शुरुआत की थी, और आज इस टाटा कंपनी की नेट वैल्यू इतनी हो गई है कि वो पूरे पाकिस्तान के GDP से भी आगे निकल गई है। तो चलिए देखते हैं इस बात पर पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। सर, एक प्रोडक्ट में बता दे जिसमें हमारे पूरे पाकिस्तान में मोनोपोली, जैसे टाटा की बात की तो उनकी TCS कंपनी पूरी दुनिया में मशहूर है, साल्ट में, टाटा की चाय आप देख लें, टाटा के होटल देख लें। हमारे पूरे पाकिस्तान में इतने बिलियनेयर्स हैं, मिलियनेयर्स हैं, कोई एक प्रोडक्ट बता दे जिससे हम पूरी दुनिया में मोनोपोली कर रहे हैं, कि ये जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट है ना, इसका पूरी दुनिया में कोई कंपैरिजन नहीं। अनफॉर्चुनेटली अभी तो ऐसी मेरे जेन में कोई भी नहीं है। अगर पत्ती नमक कोई मेरे पास तो ऐसी कोई नहीं है, अगर आपके पास है तो जरूर आप मुझे भी बताया था कि मेरे लिए इतनी शर्म वाली बात है। वो तो जाहिर बात है, आपको भी पता है, आप नौजवान इस वजह से कितने होपलेस हो चुके हैं, वो यहाँ रहना ही पसंद नहीं कर रहे। इस देश का नौजवान देश को छोड़ने पर मजबूर हो गया है। सर, हम टाटा ग्रुप की बात कर रहे हैं, वो सॉर्ट से लेके सॉफ्टवेयर तक बनाते हैं। अगर उनकी TCS कंपनी की बात करें तो 178 बिलियन डॉलर का सिर्फ उनकी ये वाली जो TCS जो है वो पैसा कमा रही है। और इंडियंस की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, बिलियनेयर है लेकिन सारा का सारा पैसा उनका इंडिया के अंदर पड़ा है। बेसिकली दे हैव सेफ्टी, उनके पास सेफ्टी है, लोग वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, उनको पता है इंडिया में सेफ्टी है लोगों के पास, मींस फाइनेंशियली सेफ्टी है। Yes. उनके पास पैसा उनका सिक्योर है। अच्छा। मैं जहाँ सेफ्टी की बात कर रहा हूँ उसका मीनिंग ये है कि उनके जो पैसा लगा रहे हैं उनको इतना इस पे यकीन है कि उनको इसका पे बैक मिलेगा, सो दे आर इन्वेस्टिंग। अब पाकिस्तान में काफ़ी बंदे हैं जो बाहर से वैसे अपनी फैमिलीज को पालने के लिए पैसा तो भेज रहे हैं लेकिन यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहे, क्यों? दे डोंट हैव एनी सेफ्टी। जब उनको सेफ्टी मिलेगी तो वो इन्वेस्ट करेंगे ना, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। उनकी एक कंपनी की GDP और यहाँ पे पूरे पाकिस्तान की GDP अभी बराबर नहीं है। क्या आने वाले सालों में हम उनका मुकाबला कर सकते हैं या उनके करीब जा सकते हैं? देखें जी, बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है ना, बहुत डिफिकल्ट है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स नियर टू, आई वोंट से इट्स इम्पॉसिबल, इट्स पॉसिबल, वेरी डिफिकल्ट। बहुत ही आपके पास जो है ना एक लाइक आई वुड से कि लेम से किस्म का आपके पास चांसेस है, बट अगेन सबसे पहले आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज द मेन थिंग। वो नहीं आनी,
अब जब तक आप 70 सालों में नहीं आई, 23-24 वजीर आजम इस मुल्क में बदल चुके हैं। देखे ना, आप कहती है ना कि हम कैसे करेंगे, हम कैसे इस चीज़ को तो आप बेहतरी के लिए अपनी एक ओपिनियन दे सकता हूँ कि हम बहैसियत कौम जो है हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इंडिकेटर्स एंड व्हाट फैक्टर्स वी शुड हैव टू इंप्लीमेंट इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज अवर कंट्री। हम स्टेबलाइजेशन की तरफ सबसे देखें पॉलिटिकल नहीं करेंगे, इकोनॉमिकल जो है ये पॉलिटिकल से लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी हम इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं कर सकते, आप जो मर्जी कर लें। 10 दिन से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद ये तय नहीं हो सका कि वजीर आजम कौन होगा। एक जमात दूसरे को, दूसरी जमात तीसरे को ऑफर करवा रही है, लेकिन वजीर आजम नामी ओहदे के लिए उम्मीदवार है कि मिल नहीं रहा। लानत है तुम लोग पे, लानत। और ये आपको ये नहीं लगता कि मुतालिया पाकिस्तान से जो हेट्स जो चीज़ें हैं उसको भी ख़त्म करना चाहिए, बच्चों को एक प्रोग्रेसिव स्टडी की तरफ लेके आना चाहिए? देखें बिल्कुल, मैं कहूँगा कि आपकी जितनी भी एजुकेशन के जो आपका एक जनाब क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे यार, हम मैं छोटी सी टाटा की एक इंडियन कंपनी की GDP पाकिस्तान की पूरी इनकम से बराबर है। पाकिस्तान की GDP यानी पूरे पाकिस्तान में हम लोग इतने नाकारा हैं, इतने मतलब कुंद जहन हैं, या हमारे पास इतनी कंपनियां ही नहीं हैं जो इतनी इनकम करती हों या कुछ बनाती हों। टाटा पूरे यानी पूरे पाकिस्तान की कंपनियां मिला लो टाटा एक, यानी आप कहाँ खड़े हो। शर्म 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 का मकाम, यकीन करें बस बहुत बड़ी कंपनियां हैं ही कहाँ, बच्ची कुछ गिनी चुनी तो बच्ची हैं, वो भी भाग रहे हैं सब यहाँ से बंद कर करके। यहाँ पे है ही क्या, सारे तो जो अमीर देखें जिसको मौका लगा ना वो निकला, ऐसे ही है ना, जिसको मौका लग रहा है वो यहाँ से निकल रहा है पाकिस्तान। जो आपको कोई बेच जो खरीदने जाती हूँ आप, और आप वो बड़ी दुकानदार से मांगती हूँ कि नहीं मुझे ये पाकिस्तानी चाहिए, कोई एक ऐसी चीज़ आपके जहन में, कोई पाकिस्तानी का तो नाम ही नहीं आता, नहीं कोई ऐसी चीज दुकान में कि ये नहीं यार मुझे पाकिस्तानी ब्रांड चाहिए ये वाला, नहीं कोई ऐसा तो नहीं है। लेकिन वो कह रहा है ना कि आपकी कोई ऐसी चीज जिससे आपको फखर हो, पूरी दुनिया में चलती हो, एक चीज तो चलती है ना, हमारा झूठ चलता है, हमारा फ्रॉड चलता है, हमारी दगाबाजियां चलती हैं, पूरी दुनिया में ये फेमस हो गई है हमारी, जब ही इसी वजह से पूरी दुनिया में हमारी एक इज्जत जो है दिन ब दिन, यार जो सही लोग थे ना इनके चक्कर में ना वो भी मतलब उसी उसमें आ गए। वो कहते हैं ना कि अगर 10 लोग जहाँ सही अच्छे बैठे हुए हैं आप वहाँ पर बैठ जाओ तो आपका नाम उन अच्छों में लिया जाएगा, ठीक है, वही 4 खराब बैठे हुए हैं शराबी मवाली ये सब मतलब जो बुरे लोग होते हैं वैसे। शराबी और मवाली क्या होता है कि पता नहीं क्या होता है, मतलब बहरहाल मतलब नहीं तो नहीं कहना तो नहीं चाहिए तो वैसे क्या होता है पत्नी क्या होते हैं मतलब नहीं एक बुरी सोबत के लोग होते हैं ना, गलत नेचर के, मतलब उनकी नेगेटिव सोच होती है, ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, अगर आप उनके पास बैठेंगे ना तो वो आप भी उन्हीं में काउंट हो गए। देखिए अगर हम मस्जिद से निकलते हैं ना, ये सिर्फ हमारी सिर्फ आंखों का धोखा है, जो हम लोग देखते हैं ना उस पर यकीन कर लेते हैं। तो एक आदमी मस्जिद से निकल रहा है, सही है, उसके हाथ में शराब की बोतल है, तो लोग देखने वाले वो ये नहीं बोलेंगे कि ये अंदर बैठ के शराब पी रहा था, शायद रखी हुई होगी तो वो फेंकने चाह रहा हो, यार मस्जिद से निकला है ना। अब उनको क्या पता कि वो मस्जिद से निकला कि नमाज पढ़ के निकला कि अंदर बैठ के शराब पी रहा था, क्या है। अब वो शराब खाने से एक मौलवी जा रहा है, उसकी दाढ़ी है, मामा बना हुआ है, सब कुछ है, मगर वो कहाँ से निकल रहा है, वो शराब खाने से निकल रहा है, तो उसको ये जज किया जाएगा कि भाई वो शराबी है, शराब ऐसे लोग हो गए यार, मतलब सुनी सुनाई बातों पे देख ही दिखाई, मतलब प्रूफ नहीं चाहिए, जो देख लिया वही होगा यकीन यार उसकी, मतलब वो तो करें यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं। आप ये कहना चाह रही हैं कि हम लोग कहीं से कोई चीज़ सुनते हैं तो उसी पे यकीन उस पर, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं कहते कि खुद से रिसर्च नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रिसर्च तो है ही नहीं ना, नहीं बिल्कुल भी नहीं है ना, वो कहते हैं ना कान लेके चल गया तो उसके पीछे भागना है, अपना कान तो देख लो यार तुम्हारे पास है कि नहीं है। बहुत ही बड़ी खबर मेरे लिए भी शॉकिंग बात है, और हर बंदे को मैंने अपने जानने वालों को बतानी है कि टाटा की कंपनी की GDP पूरी पाकिस्तान के GDP से आगे चली गई है। बहुत ज़्यादा शॉक वाली बात है, बहुत ज़्यादा, ये हमारे हुक्मरानों को दिखाया जाए, उनको बताया जाए कि आप लोग कहाँ हैं और वो लोग कहाँ हैं, थोड़ा तो बढ़ो यार, तुम लोग तो लड़ने से फुर्सत मिले तो वो कुछ सोचेंगे ना, लड़ने से फुर्सत मिले तो वो सोचेंगे यार, को लड़ने से फुर्सत नहीं है, वो क्या लोगों के बारे में सोचेंगे। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह।